रामलला की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जब अयोध्या नगरी लाखों दीपों से जगमगा उठेगी। हर साल दीपोत्सव के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। वहीं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वालों को वर्दी में और सादे कपड़ों में चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। लखनऊ जोन एडीजी पीयूष मोडिया ने तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी दी है। अयोध्या पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। यातायात सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए आवश्यक स्थानों पर डायवर्जन भी किया गया है। पार्किंग स्थल जो है उन पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को पहले से किस पार्किंग में ले जाकर अपने वाहन खड़े करने इससे अवगत करा दिया जाए। जो हमारे यहाँ सरयू घाट है उस पर परसों भी इंतज़ाम पर्याप्त रहेंगे। जो नावें चलती हैं, बोट्स वगैरह जो चलाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया है। रिवर पुलिस और जो हमारी SDRF NDRF की टीमें हैं वो भी वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगी। कुछ जगह स्टेशन है और एरियल सर्विलांस ड्रोन्स की मदद से किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है और हम प्रतिबद्ध हैं इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए। साथ ही जनपद की आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, कहीं पर यातायात बाधित ना हो। लोग पूरे दीपोत्सव के कार्यक्रम का परसों जो है उसमें सम्मिलित हो सकें, आनंद ले सकें बिना किसी परेशानी के। इसके लिए पुलिस तीनों शिफ्टों में तैनात रहेगी। महिला व पुरुष पुलिस सादे में वर्दी में दोनों ढंग से तैनात किए गए हैं। जब तक सारी भीड़ खत्म नहीं हो जाती दीपोत्सव के बाद, तब तक हमारा प्रबंध यथा अनवरत बना रहेगा। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 11 नवंबर को होना है। इसके लिए तो सुरक्षा की खास तैयारियां की ही गई हैं। साथ ही आज अयोध्या में कैबिनेट की अहम मीटिंग हो रही है, जिसके मद्देनजर भी पूरी तैयारी की गई है।